पूछा गया महाराज से, ब्रेकफास्ट रेडी है? पता नहीं घर पे इतने नखरे क्यों है। एंड योर पनीर की सब्जी इज रेडी। डैडी इज लीविंग राइट है ना? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने ये मटर भिगाया हुआ था बट अरिंदम ने बोला क्योंकि आज संडे है, आई थॉट मैं थोड़ा सा मटर और पराठे बनाऊं, बट ही डजंट वांट टू ईट दैट। तो फिर मैंने सोचा फिर क्या खाओगे, पूछा गया महाराज से, तो महाराज ने कहा आई वांट टू ईट सैंडविचेस। तो उसी लिए मैंने ये तैयारी की है। ये वाली रेसिपी मेरी फेवरेट है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सैंडविच रेसिपी। तो इसमें मैंने बॉयल आलू ले लिए, थोड़ा सा मिर्ची, धनिया और अनियन, दैट्स इट। अब मैं फटाफट से इसको बनाऊंगी। और ये जो है मटर, ये ऑफिस में अगर उसे मिले तो वो खा लेता है, पता नहीं घर पे इतने नखरे क्यों है। तो इसको ना मैं बना लूंगी प्रेशर कुकर में फॉर लंच। तो इधर तेल डाल दीजिए, थोड़ा सा ही तेल डाले। ऑलरेडी ये इधर आके सो गई है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड इज ये राई चाहिए होगी, ब्लैक वाली सरसों जो आती है, थोड़ा सा ज्यादा डलता है तो मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। राइट, टू एड अनियन एंड चिली। आजकल ये बहुत ज्यादा भौंकना सीखी है, बहुत ज्यादा भौंकती है। आपको नॉर्मल सॉल्ट भी डालना है राइट, थोड़ा सा डालूंगी। फिर इसमें हम डाल देंगे ये आलू बॉईल किया हुआ। दैट्स इट, ये स्टफिंग रेडी हो गया है, अब बस ब्रेड में लगाए और खा ले। ढेर सारा धनिया, बस ये रेडी है। ब्रेकफास्ट रेडी है, सो वी आर गोना ईट दिस। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने लंच नहीं किया बिकॉज द ब्रेकफास्ट सैंडविचेस वर वेरी हैवी। हम शाम को निकल गए टू हैव आवर डिनर टू आवर फेवरेट साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। यू हैव सीन मी गोइंग देयर सो मेनी टाइम्स एंड यू गेट द बेस्ट साउथ इंडियन डिशेज इन दिस रेस्टोरेंट, दैट इज थलाइवा। और वो खुले ही थे, बस हम पहले कस्टमर्स थे उस दिन। और फिर हमने खाया थोड़ा सा डोसा, थोड़ा सा इडली। ऑल्डो हमारे साथ नहीं थी, शी वॉज हैप्पीली प्लेइंग इन जस्ट डॉग्स। नेक्स्ट डे अरिंदम को निकलना था फॉर एन ऑफिशियल टूर, फिर मुझे उसकी भी तैयारी करनी थी। हमने थोड़ी सी पनीर ले ली। आज अरिंदम जा रहा है बाहर ऑफिस के कामों के लिए, हिज फ्लाइट इज़ अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून।
तो इसीलिए मैं फटाफट से सब कुछ बना रही हूँ। मैंने सोचा पनीर की सब्जी बनाऊंगी और मैं वो ना प्रेशर कुकर में बना दूंगी, तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज़ बेसिकली सॉल्ट वाटर, गरम पानी है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और फिर मैंने इसमें ये पनीर डाल दिया, क्योंकि पनीर तो कल रात ही खरीद कर रखा हुआ था तो ये टाइट हो जाता है ना, फ्रिज में रहता है, तो इफ़ यू डू दिस तो ये पनीर एकदम फ्रेश और सॉफ्ट लगता है। दिस इज़ टमाटर है, अदरक है और मिर्ची का पेस्ट है, थोड़े से आलू है और ये दो मिर्ची है, दैट्स इट। सोची थी कढ़ाई में बनाओ लेकिन लेट हो जाएगा, आई ऑल्सो हैव टू हेल्प हिम विद द पैकिंग। तो चावल मैंने इधर चढ़ा दिए, इधर चावल पक रहा है, तो सबसे पहले चीज जो मैं करूंगी तेल डालूंगी इसमें, प्योर वेज है, नो ऑनियन नो गार्लिक, तो मस्टर्ड ऑयल मैंने पहले डाला हुआ है, मस्टर्ड ऑयल अभी गरम होगा, उसको बिना गरम किए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इतनी ज्यादा हवाएं चल रही है ना आजकल, तो अब ना इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी, कलौंजी डाल दी मैंने, फिर इसमें ना ये आलू डाल दूंगी। अभी के अभी मैं इसको सीजन भी कर दूंगी, क्योंकि अरे ना मैं ट्रैवलिंग तो ज़्यादा मैं मसालेदार नहीं बनाऊंगी। नमक डाला मैंने, तो थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी, थोड़ी थोड़ी सी सारे के सारे मसाले डालूंगी। वो जीरा था, ये है मिर्ची पाउडर, आलू को ना थोड़ा सा मुझे फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर मैं आती हूँ वापस। दिस इज अरिंदम ऑलरेडी, हेलो व्हाट्स अप, की होच्चे, ओके शी सैड, डैडी इज लीविंग राइट है ना, ओके ओके फाइन, टाटा डैडी, को नहीं जाने देना है डैडी को, शी वॉन्ट्स टू स्टे विद डैडी। सो ये आलू अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टमाटर मिर्ची और अदरक का पेस्ट, बस इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी, फिर पनीर डाल के सीटी लगा दूंगी दो, दैट्स इट, ये भी ऑल डन। जैसे ही आपको लगे ना कि आलू अच्छे से भुन चुका है और तेल ऊपर आ चुका है, फिर मैं इसमें पनीर की क्यूब डाल दूंगी, मिक्स इट टुगेदर। ये पनीर जैसे ही मैंने नमक में डाला ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, अब मुझे डर लग रहा है कि ये पनीर कहीं टूट के बिखर ना जाए प्रेशर कुकर में। बस इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूंगी, अब इसमें ढक के दो से तीन सीटी। अब मैं ये सब्जी जो है पहली बार बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, इसके पहले मैंने कभी नहीं बनाया हुआ है, सो आई एम रियली स्केप्टिकल कि कहीं पनीर ना बिखर जाए, क्योंकि आलू तो बिल्कुल कच्चे हैं, पके नहीं है अभी तक, तो शायद मुझे बॉईल करके आलू डालना चाहिए था, आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट। मैं तीन सीटी लगाऊंगी एंड देन विल गेट बैक टू यू। तो ये मैंने पका लिया है तीन सीटी, और ये ना मैंने पूरा हवा रिलीज होने के लिए दिया है, उसके बाद देखिए दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक, बहुत अच्छा लग रहा है, आलू भी अच्छे से पक चुके हैं एज यू कैन सी। थोड़ा सा ना मैं आलू तोड़ तोड़ के दूंगी सो दैट इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक हो जाए, बस। और हाँ, ये पनीर टूटा नहीं है, एज यू कैन सी दिस वॉज अ सक्सेस राइट। आप भी जरूर ट्राई कर सकते हैं पनीर की सब्जी इन
प्रेशर कुकर। ये हो गया, अब ना मैं इसमें हल्का सा ये होममेड गरम मसाला डाल दूंगी। दिस इज, तो थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, दैट्स इट। हल्का सा मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, गुड मिक्स, एंड योर पनीर की सब्जी इज रेडी। कैन यू सी हाउ यम्मी इट इज लुकिंग? तो मैं निकाल लूंगी एक बोल में। सो दिस इज हाउ इट्स लुकिंग लाइक। मैंने ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा रखी है कि इसके साथ और खाने के लिए कुछ नहीं है, बस सैलेड है। सो इसीलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी ज्यादा रखी है। आप अगर चाहे तो ग्रेवी कम भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और ये मैंने नया बोल निकाला है आज। सो ये हो गया, बस ये है और चावल है। अरिंदम और ज्यादा कुछ नहीं खाएगा। तो मैं अभी, बहुत सारा काम है, अरिंदम की पैकिंग भी हो गई है, बट अभी किचन पूरा गंदा है। सो आई विल गो हेयर एंड क्लीन द किचन, फिर आपसे मिलते हैं। सैलेड, सो अभी ये पनीर की सब्जी। झोल 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 बेसी पनीर दियो ना। हमें बेसी पनीर तो दी नहीं, ঠিক আছে ঝোল দেবো আর একটু। আরে Bye.